हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टेडिया इक्यू अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए यहाँ पर कोरोना वायरस से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न वो लेकर के आ गया हूँ इस वीडियो में। तो ये आपके लिए राजस्थान पटवारी, पुलिस, रीट, आरएएस और अन्य जेईई की भर्ती, इसमें भी आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बात करते हैं रेलवे, एसएससी, बैंक, जितने भी और अन्य एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, और पीडीएफ कहां से लेनी है ये भी आपको अंत में बताऊँगा। तो पूरी पीडीएफ भी आपको ये मिल जाएगी, ये सारी पीडीएफ आप खुद देख सकते हो। यहाँ पर 14 पेज की पीडीएफ मैंने अच्छी तरीके से आपके लिए बनाए ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आज का अपने लिए, WHO ने कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या रखा? तो WHO ने कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या रखा? तो इसका नाम सभी को पता है क्योंकि बहुत सारे दिनों से आप कोरोना वायरस के बारे में सुन रहे हैं। तो COVID-19 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के चलते अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की है? तो आपातकाल की घोषणा किसने की है? तो ये की है WHO ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इसका और ये कहाँ पर है हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 7 अप्रैल कब की थी? 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको हिंदी में बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी वुहान, चीन से। कहाँ से हुई थी? वुहान, चीन से। ये चीन का एक शहर है वुहान, वहाँ से हुई है। अगला प्रश्न है, COVID-19 में डी का क्या अर्थ है? यानी कि ये COVID-19 जो लिखा हुआ है, इसमें जो पीछे जो डी लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या है? तो मैं आपको पूरे का मतलब बता देता हूँ। CO का मतलब होता है, क्या होता है? कोरोना। और VI का मतलब होता है यहाँ पर कोरोना वायर, इसका मतलब होता है वायरस। CO का मतलब तो हो गया कोरोना, VI का मतलब वायरस हो गया, और डी का मतलब हो गया डिजीज। क्या हो गया? डिजीज। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो इस प्रकार आपको ये याद रखना है। और 19 का मतलब हो गया 2019 में इसकी खोज हुई थी, मतलब ओके। चलिए अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य है? कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य है हरियाणा। कौन सा? हरियाणा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कोरोना वायरस के इलाज के लिए 100 बेड क्षमता की वाला एक कोरोना संप्रभित अस्पताल बनाया है? तो किसने बनाया है? RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने, तो उसने बनाया है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कोरोना वायरस से प्रभावित देशों के लिए $12 बिलियन देने की घोषणा की है? तो USA डॉलर देने की घोषणा की है, 12 बिलियन किसने की है? तो इसको कौन दे सकता है? आप सभी को पता है केवल एक ही है, वो है वर्ल्ड बैंक। कौन सा? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। अगला है, हाल ही में ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कितने मिलियन USD देने की मंजूरी की है? तो बताइएगा, इसका जवाब होगा 8वें का, बिल्कुल 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की। अगला प्रश्न है, हाल ही में बताए गए SAARC COVID-19 इमरजेंसी फंड के लिए भारत ने कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो कितनी राशि देने की घोषणा की है भारत ने SAARC COVID-19 के लिए? तो ये दिए 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस का अस्थायी रूप से पूर्ण नाम क्या है? तो कोरोना वायरस का अस्थायी रूप से पूर्ण नाम क्या है? तो ये है इसका ऑप्शन 1 COVID-19। N का मतलब हो जाएगा नोवल कोरोना वायरस। आप मोबाइल में देखा होगा, पहले आपसे बोलते हैं मोबाइल में जब फ़ोन करते हो किसी को, तो बोलते हैं नोवल कोरोना वायरस से बच के रहिए वगैरह। तो आप सभी को पता है N का मतलब हो गया नोवल COVID-19। तो N का मतलब नोवल हो गया, और CO का मतलब यहाँ पर कोरोना, VI का मतलब वायरस, और D का मतलब डिजीज। तो ये आपका हो गया यहाँ पर बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न है यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। 40 क्वेश्चन है, जो भी आपके इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन है, सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस के बारे में जानकारी देने के लिए इंस्टाग्राम ने कौन सा फीचर लॉन्च किया है? सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस के बारे में जानकारी देने के लिए इंस्टाग्राम ने कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो 11% का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो वो होगा इंस्टाग्राम फीड। कौन सा?
इंस्टाग्राम फीड। अगला है प्रश्न, कोरोना वायरस के कारण चीन के एक शहर के बाद सर्वाधिक मृत्यु कहां पर हुई है? तो कहां पर हुई है, तो वह शहर है दोस्तों लोम्बार्डी। तो लोम्बार्डी कौन सी जगह में है? तो लोम्बार्डी है दोस्तों इटली में। कहां पर है? इटली में। ओके, इटली में है दोस्तों। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन कोरोना वायरस को रोकने के लिए जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहा है? तो कौन सा है सर्च इंजन? तो सर्च इंजन वो होगा गूगल। कौन सा? गूगल। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए यहाँ पर, और इसकी पीडीएफ भी आपको लास्ट में बता दूंगा। हाल ही में पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया है दोस्तों पंजाब सरकार ने? तो इसके लिए पंजाब सरकार ने ऐप लॉन्च किया है यहाँ पर, जो आप देख पा रहे हैं सी ऑप्शन, कोवा पंजाब। कौन सा? सी ओ वी ए पंजाब। तो याद रखना है आप लोगों को, यहाँ पर पंजाब की स्पेलिंग पी यू एन जे ए बी हो जाएगा। ओके, गलती से ए आ गया था टाइप होने में। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए यहाँ पर, इनमें से किसने कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यू एच ओ के सहयोग से कोविड 19 एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो किसने किया है जल्दी से बता दीजिएगा फटाफट से। 15 क्वेश्चन का राइट आंसर तो हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच ने। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए यहाँ पर, हाल ही में कोरोना वायरस के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितने दिन के लॉकडाउन की घोषणा की है? तो ये सभी को पता होगा क्योंकि आप उसी का भुगतान कर रहे हो अभी घर पे बैठ करके। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 21 डेज। कितने हो जाएगी? 21 दिन का, 14 अप्रैल तक। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते भारत के किस राज्य ने सबसे पहले कर्फ्यू लागू किया था? तो किसने किया था कर्फ्यू लागू? पंजाब ने। कौन सी ने? पंजाब ने। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, कोरोना वायरस के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संचारित हो सकता है। बिल्कुल सही है, यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के कपड़ों से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकता है। बिल्कुल सही है, आपको बताना है सही नहीं है। ये वायरस जानवरों से इंसानों में संचारित नहीं हो सकता। ये क्या कहा है इन्होंने? गलत कहा है, यानी कि आपका सही आंसर ये होगा, क्योंकि ये वायरस जो खोज हुई है वो चमगादड़ से हुई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जो है चमगादड़ से हुई है, यानी कि ये इंसानों से जानवरों से भी ये फैल सकती है। तो इसमें कोई बात नहीं है, यानी कि फैल सकती है, यहाँ पर कहा गया है कि नहीं फैल सकती। तो ये क्या होगा? गलत, और अपना आंसर यही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, प्रश्न है आपका, भारत में लॉकडाउन करने वाला राज्य का कौन सा राज्य है? बताइएगा फटाफट से, भारत में लॉकडाउन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह कौन सा राज्य है जो भारत में लॉकडाउन किया है? वो हो जाएगा राजस्थान। आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए यहाँ पर, कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो किस अंग को करते हैं वो आप सभी को पता है, यानी कि फेफड़ों को, लंग्स को करता है। बिल्कुल, न तो किडनी को, न लिवर को, न ब्रेन को। ओके, लंग्स को करता है, फेफड़ों को, सूजन आ जाती है फेफड़ों में। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस किस भाषा का शब्द है? तो कोरोना वायरस किस भाषा का शब्द है? बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे हैं कि चीनी का है। दोस्तों, ये बात नहीं है कि चीन में ये मिला है तो चीनी शब्द है, नहीं। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लैटिन भाषा का शब्द है कोरोना वायरस। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण कोरोना वायरस संक्रमण नहीं है? तो कौन सा है इसमें से जो लक्षण नहीं है? सूखी खांसी, बिल्कुल सही है। सांस लेने में परेशानी होना, बिल्कुल सही है। ज्वर के साथ आंख और नाक से पानी आना, बिल्कुल सही है। मुंह में छाले होना, ये क्या है? गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा, मुंह में छाले होना, ये क्या है? कोरोना वायरस का संक्रमण का लक्षण नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के मुख्य 4 प्रकार कौन से हैं? तो कोरोना वायरस के मुख्य 4 प्रकार जो कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये चारों हैं, 229 ई अल्फा कोरोना वायरस, NL63 बीटा कोरोना वायरस, HKUI बीटा कोरोना वायरस, OC43 बीटा कोरोना वायरस। ये क्या हो जाएंगे? आपके बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही आंसर है जो कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये चारों कोरोना वायरस के लक्षण हैं। ओके, मैंने यहाँ पर ऑप्शन डायरेक्ट नहीं दिया और डायरेक्ट आपको बता दिया है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखाई देती है? तो किसके समान दिखाई देती है, फटाफट से बता दीजिएगा, क्राउन की तरह। ओके, क्राउन की तरह दिखाई देती है, ऐसा फुटबॉल जैसा होता है, इसमें बीच में ऐसा कुछ होता है, वो आपको मैं देख लिया होगा आपने स्क्रीन पे।
ओके चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते ग्लोबल इमरजेंसी लागू की गई, कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते ग्लोबल इमरजेंसी लागू की गई किसके द्वारा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो जेनेवा में इसका ओके स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है, तो किस राष्ट्र ने किया है, वह किया है भारत ने, अपने ही देश ने। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते भारत में एक दिन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनता कर्फ्यू किया गया था, कितनी तारीख को, 22 मार्च को, कितनी को, 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस COVID-19 के टेस्ट का नाम क्या है, तो कोरोना वायरस COVID-19 के टेस्ट का क्या नाम है, तो इस टेस्ट का नाम है RT-PCR टेस्ट। कौन सा, RT-PCR टेस्ट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रख लेना, आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, पटवारी पुलिस और भी अन्य जितनी परीक्षाएं होनी आपकी, SSC बैंक वगैरह रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ पर कोरोना वायरस के प्रकोप को दुनिया में रास्ता दिखाने वाला चीन का वुहान किस प्रांत में स्थित है, यानी कि ये कौन से प्रांत में, जो वुहान शहर है कौन से में, हुबेई प्रांत में, कौन से में, हुबेई प्रांत, याद रखिएगा चीन का है। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के संक्रमण के बारे में जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है दोस्तों, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा बिल्कुल व्हाट्सएप चैट बॉट, यहाँ पर दोस्तों स्पेलिंग लिख देता हूँ मैं, स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, चैट पॉट बॉट, ओके चैट बॉट आपका राइट आंसर हो जाएगा, व्हाट्सएप चैट बॉट, याद रखिएगा ओके। तो ये हो जाएगा, व्हाट्सएप ने एक फीचर लॉन्च किया है व्हाट्सएप चैट बॉट, यहाँ पर आप कोरोना वायरस से संबंधित सारी जानकारी आप PDF वगैरह यहाँ पर ले सकते हो, हाई लिखोगे तो आपका जवाब दे देगा, यहाँ पर अपने आप जवाब दे देगा कि कौन कौन से लक्षण बचाव के कौन से क्या है, ये सारी जानकारी, इसीलिए सभी अपने अपने फीचर में अपनी अपनी जानकारी दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, COVID-19 के संक्रमण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए फेसबुक ने कौन सा फीचर लॉन्च किया है, तो फेसबुक ने कौन सा फीचर लॉन्च कर दिया है, तो फेसबुक ने भी कर दिया है, फेसबुक इंफॉर्मेशन सेंटर, कौन सा, फेसबुक इंफॉर्मेशन सेंटर। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने कौन सी नई वेबसाइट शुरू की है, तो गूगल ने कौन सी, गूगल ने भी अपनी एक नई वेबसाइट बना दी है कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए लोगों को, तो ये कौन सी वेबसाइट है, तो दोस्तों ये वेबसाइट होगी आपकी google.com/COVID-19 ओके। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, इस वायरस का नाम कोरोना वायरस कैसे पड़ा, इस वायरस का नाम कोरोना वायरस कैसे रखा गया, तो ये रखा गया क्राउन जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण, किस लिए, क्राउन जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है, तो ये आपको दो बीमारी है दिख यहाँ पर, SARS और MERS, ओके MERS और SARS, तो इससे किससे संबंधित है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा 1 और 2, यानी कि SARS और MERS दोनों से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस की पहली बार पहचान कब की गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये की गई थी दोस्तों 1960 में, कब 1960 में, वीडियो को शेयर कर देना व्हाट्सएप फेसबुक जल्दी से कर देना दोस्तों, क्योंकि किसी के भी भविष्य में काम आ सकता है, परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं ये प्रश्न, कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण है, तो कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण क्या है, तो 36 का बिल्कुल जल्दी से बता दीजिएगा, क्या हो जाएगा, सांस लेने में तकलीफ होती है, बिल्कुल सही है, बुखार यानी कि ज्वर बिल्कुल होता है, सूखी खांसी जरूर आती है, तो यानी कि आपका सही हो जाएगा ऑल, यानी कि डी ऑप्शन सही है आपका। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कोरोना वायरस के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है, तो कोरोना वायरस के लिए कौन सा जिम्मेदार है, तो H1N1 है नहीं, H5N1 है नहीं, बिल्कुल सभी को पता है, तो हो जाएगा SARS-CoV-2, क्या हो जाएगा, SARS-CoV-2, ओके बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, यहाँ पर UNCTAD रिपोर्ट के अनुसार भारत कोरोना वायरस के कारण प्रभावित अर्थव्यवस्था में किस स्थान पर है, तो वह है 10वें स्थान पर, कौन से स्थान पर है दोस्तों, 10वें स्थान पर है,
ओके तो आप इसकी फुल फॉर्म भी आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसकी फुल फॉर्म होगी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1964 में इसकी स्थापना की गई थी, यानी ओके। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, भारत में सबसे पहले कोरोना संक्रमण के मामले कहाँ पर देखे गए थे, कौन से राज्य में देखे गए थे, जल्दी से बताइएगा। तो दो मामले देखे गए थे एक ही दिन में, वह है केरल में। कहाँ पर सबसे पहले जो मामले देखे गए थे वह केरल में देखे गए थे। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, लास्ट क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन थे, मैंने पहले ही कहा था, और पीडीएफ कहाँ से मिलेगी अब आपको बताऊंगा। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए सभी पर्यटन वीजा कब तक के लिए निलंबित कर दिए गए हैं? तो कब तक के लिए निलंबित कर दिए गए हैं दोस्तों? तो वह कर दिए गए हैं दोस्तों आपके 15 अप्रैल तक। कब तक? 15 अप्रैल तक निलंबित कर दिए गए हैं। बड़ी अपडेट है, अब आपको पीडीएफ जो है वह टेलीग्राम में मिलेगी, और नीचे आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप में भी मिल जाएगी, यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी नीचे मिलेगा। तो आप टेलीग्राम स्टडी एकेडमी सर्च कर सकते हो, या लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये पूरी पीडीएफ है, 14 पेज की आपको मिल जाएगी, आपको इसमें पूरे आंसर वगैरह लगे हुए भी मिल जाएंगे। ओके, तो आप फटाफट से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को शेयर करेंगे आपके राजस्थान पुलिस पटवारी रेट और अन्य एसएससी वगैरह सभी जितने भी बैंक वगैरह के एग्जाम होते हैं रेलवे के, उन सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आपके और भी अन्य जो बहुत सारे एग्जाम आ रहे होंगे। ओके, आपने जितने फॉर्म भर रखे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली करंट अफेयर्स के साथ, और ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान और अन्य जितने भी परीक्षाएं। धन्यवाद।